वेलकम बैक। इन द लास्ट लेक्चर आई गेव यू अ लेकिन फैक्टर, वन थिंग वॉज लेफ्ट बिहाइंड दैट वी डिड नॉट डू अ क्वेश्चन ऑन द फ्रिक्शन फैक्टर एंड द पोसाइली इक्वेशन। मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेरिवेशन और आपको डेरिवेशन आनी चाहिए टू शो हाउ फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये इक्वेशन आप डार्सी इक्वेशन में जब डाल सकते हैं अगर आपका रेनॉल्ड नंबर लैमिनर हो, लैमिनर यानि लेस देन 2000 हो। जो आपका डार्सी इक्वेशन है ना, फ्रिक्शन फैक्टर उसमें एक एलिमेंट होता है। नाउ दैट फ्रिक्शन फैक्टर कैन आइदर बी 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर इफ इट इज लैमिनर फ्लो। सपोज इफ इट इज टर्बुलेंट फ्लो देन you need to find the friction factor by an other method. That method will be covered in the next lecture, which is either by the formula, or if not by the formula, it is by a chart called the chart, Moody's chart or Moody's diagram. But that is for another day. And friction factor, and the other equation we talked about was the Hagen-Poiseuille. In the Hagen-Poiseuille, that is only applicable for Reynolds number, which is laminar flow under 2000. If it is turbulent flow, Hagen's Poiseuille is not applicable. Ye baat humne ki thi. So now we will move forward and do one numerical. This is the numerical that we have. Example 8.4. Determine the energy loss if glycerine at 25 Celsius flows 30 meter through a standard DN 150 millimeter schedule 80 pipe with an average velocity of u 4 meter per second. सबसे पहले बात इसमें यह है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आता है आप वो निकाल लें। आपको ये मालूम है कि आपको u दिया हुआ है 4 meter per second. Similarly, you have l which is 30 meters. You can easily find out the diameter dn of a schedule 80 pipe. The only thing is that please read the information from schedule 80 because in a test you have both tables schedule 40 and 80. Do not read 150 millimeter from schedule 40. You read the inner diameter because the inner diameter is used in the Reynolds number. And I told you before that for a liquid at 25 you can get the data from the literature. आपने लिटरेचर से ग्लिसरीन की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और आप अपना वो भी निकाल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। जब ऐसा सवाल आता है ना तो एचएल आपने निकालना है। अब एचएल निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये रेनॉल्ड नंबर लैमिनर रिजीम के अंदर हो लेस देन 2000। तो सबसे पहला जो टेस्ट है ना आपका वो ये है कि आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करें। आपने तमाम पैरामीटर्स डाले, म्यू यू आपको गिवन था, डेंसिटी आपने ग्लिसरीन की टेबल से देखी 1258, विस्कोसिटी आपने ग्लिसरीन की टेबल से देखी 9.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, डायामीटर आपको स्केड्यूल 80 पाइप से मिल गया 146.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर। आपने जब आपने अपना रेनॉल्ड्स नंबर निकाला इस स्पेसिफिक केस में आपको आपका रेनॉल्ड नंबर मिला 766.855 विच इज 767। यस दिस इज लैमिनर फ्लो एज रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। बिफोर वी कैरी ऑन विद द क्वेश्चन, इससे पहले हम आगे जाएं, मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं। सपोज करें कि आपका रेनॉल्ड नंबर मोर देन 4000 आ जाता, आप क्या करते? You would have said that this is turbulent flow and this question is not possible. आप ये बोलते कि अगर turbulent flow हो गया, if I get turbulent flow, Hagen-Poiseuille is automatically not possible because Hagen-Poiseuille is only for laminar flow. और Darcy law के अंदर आप बोलते that even though Darcy's law is applicable for turbulent flow, I cannot use the equation F is equal to 64 upon Reynold number because that is only applicable for laminar flow.
तो अगर आपका आंसर 4000 से ज्यादा आता, आप मार्क्स नहीं देखते, 3 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, इट डजेंट मैटर, यू वुड से इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज समटाइम्स आई वुड लाइक टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट. सो डू नॉट पुट दैट इफ यू हैव अ रेनॉल्ड नंबर 5000 एंड यू पुट आर ई 64/5000, दैट विल बी मार्क्ड इनकरेक्ट बिकॉज 5000 इज नॉट इन द लैमिनर रिजीम. बट दैट इज फॉर अनदर डे बिकॉज इन दिस केस यू हैव लैमिनर फ्लो. तो आपको जब मालूम है कि आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, तो आपको ये भी मालूम है कि 2000 फॉल्स इनटू द लैमिनर रिजीम. इफ इट फॉल्स इनटू द लैमिनर रिजीम, यू कैन अप्लाई द डार्सी लॉ. यू कैन अप्लाई द डार्सी लॉ, एंड डार्सी लॉ इज एच एल इज इक्वल टू फ्रिक्शन, विच आई एक्सपेक्ट यू टू नो. एच एल इज फ्रिक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन डी इन टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. तो आपने फ्रिक्शन फैक्टर की जगह 64/767 लिख लिया, क्योंकि आपका रेनॉल्ड नंबर लैमिनर में है. तो फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनर फ्लो इज ऑलवेज 64/ रेनॉल्ड नंबर, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रूव किया था बाय इक्वेटिंग एच एल इन बोथ केसेस, एच एल फ्रॉम डार्सी लॉ, एच एल फ्रॉम हेगन पुसाइल. 30 आपका एल है, डी आपका 146.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, यू आपका 4 था, जब आपने उसको यू स्क्वायर किया तो आपको 16 मिला, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81. आपको आपके एच एल की वैल्यू मिल गई 13.96 मीटर, और 13.6 न्यूटन मीटर पर न्यूटन, विच ऑल्सो कम्स टू 13.96 मीटर. अ वर्ड ऑफ कॉशन, ओवर हियर यू आर डीलिंग विथ SI यूनिट्स. आपने यहाँ पर SI यूनिट्स की बात की है, तो आपने जी की वैल्यू 9.81 ले लिया. अगर हम अमेरिकन यूनिट्स की बात करते तो जी की जगह एक GC का फैक्टर होता है, जिसमें आप जी की वैल्यू 32.2 लिखते हैं. ये चीज़ नहीं भूलिएगा. इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट इन अमेरिकन यूनिट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स राइट जी इज इक्वल टू 9.81, which is incorrect. So that is the only thing you need to keep in mind. So HL can easily be found out using the Darcy equation. Now suppose that student B said that HL needs to be found out, and he had an option ke okay, I can use the Darcy equation or I can use Hagen-Poiseuille. Suppose he wanted to use Hagen-Poiseuille, that is also possible, provided that it is laminar flow or Reynolds number is less than 2000. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, आपका first step था कि आप Reynolds number निकालें. इस वक्त तो आपको मालूम नहीं है कि Reynolds number क्या है, तो आप पहले Reynolds number निकालें और देखें कि वो laminar regime में है या turbulent regime में है. Suppose it is greater than 4000, aap bolte not possible because Hagen-Poiseuille is only possible for laminar flow. There is no chance of Hagen-Poiseuille if your regime is turbulent regime. Magar based on the previous equation, when we derived the Reynolds, when we solved for the Reynolds number, we got 768. So we know that it is in laminar flow and we can use HL and the Hagen-Poiseuille equation. This Hagen-Poiseuille equation is given to you. The only parameters you know need to know is specific weight of glycerin, extra parameter. This specific weight can also be taken out from the glycerin table. It is given over there 12.34 kilonewton per meter cube. Suppose करें कि आपको ये specific weight नहीं दिया था या ये column मैंने hide किया हुआ था. If I had hidden this column, then I told you one equation that you know. What was that equation? Specific weight is density multiplied by g, 9.81. तो आपको density तो मालूम थी glycerin की, 1268 आपने अभी वहाँ से copy की थी, 1258. 9.81 से multiply करें तो आपको आपके units मिल गए 12340.98. मगर ये जो आपका आंसर आएगा ना, ये न्यूटन में आएगा, क्योंकि ये SI यूनिट्स हैं. इसको आप 10 टू द पावर माइनस 3 करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 12.340 किलो न्यूटन.
कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर डेंसिटी के एसआई यूनिट्स हैं, जी के एसआई यूनिट्स हैं, तो स्पेसिफिक वेट का जो आंसर आएगा वो उसके एसआई यूनिट में आएगा 12340। बुक में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा है, मगर एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक वेट 12.34 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखें। अगर आपने बुक से भी कॉपी किया है 12.34 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिकॉज न्यूटन इज द एसआई यूनिट एंड एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट, वरना आपका जो आंसर है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर होगा, विच इज रॉन्ग। द ओनली टाइम यू यूज किलो न्यूटन इज व्हेन यू आर डूइंग किलो पास्कल, विच इज नॉट एन एसआई यूनिट। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आपने अपने हेगन पुसाइल इक्वेशन में डाला 32 वैसे के वैसा कांस्टेंट था इनटू द डायनेमिक विस्कोसिटी 9.60 इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपका एल था, मल्टीप्लाई बाय 4 विच वाज यू, डिवाइडेड बाय 12340.98 विच वाज स्पेसिफिक वेट इन इट्स एसआई यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय द डी स्क्वायर, डायमीटर वॉज द इंटरनल डायमीटर 146.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन लुक एट योर आंसर HL 13.956 मीटर, विच इज रफली द सेम एज व्हेन यू डिड इट विद द डार्सी इक्वेशन। सो द पॉइंट इज दैट फॉर रेनॉल्ड्स नंबर इन द लैमिनर रिजीम लेस देन 2000, whether you take out the friction, whether you take out the energy losses using the Darcy equation and the friction factor 64 upon Reynolds number, or whether you take out the answer using Hagen-Poiseuille, because Hagen-Poiseuille is only applicable to laminar flow, it does not matter, aapka answer same hoga. Agar aapka answer turbulent flow mein aata hai, तो हेगन पुसाइल के लिए तो आप साफ साफ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, बिकॉज हेगन पुसाइल इज ओनली वैलिड फॉर लैमिनर फ्लो। डार्सी इक्वेशन के लिए आप लिखेंगे कि वी कैन नॉट यूज 64 अपॉन आर फॉर द फ्रिक्शन फैक्टर, बट वी कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन फैक्टर बाय अनदर इक्वेशन और बाय द मूडी डायग्राम विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो डार्सी जो लॉ है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी हो सकता है, लैमिनर फ्लो के लिए भी यूज हो सकता है, और जो Hagen-Poiseuille है वो सिर्फ लैमिनर फ्लो के लिए हो सकता है। आपने अपनी यूनिट कंसिस्टेंसी रखनी है, ये देखना है कि मेरे तमाम एसआई यूनिट्स में, अगर एसआई यूनिट्स में जा रहा हूँ, अगर अमेरिकन यूनिट्स में है तो अमेरिकन यूनिट्स में जा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ जी है तो वहाँ पर मैं जी की जगह आपको क्या कर रहा हूँ, जी की जगह मैं 32.2 लिख रहा हूँ। दूसरी बात यह हुई कि अब यहाँ पर तो Hagen-Poiseuille में म्यू है, अगर मैं इस म्यू को काइनेमेटिक विस्कोसिटी में लिखना चाह सक रहा था तो वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज व्हाट? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। तो अगर मैं डायनेमिक विस्कोसिटी को सब्जेक्ट बनाऊं तो 32 मल्टीप्लाई बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू रो, वो भी मुझे यही आंसर देता अगर मैं वहां से डेटा से डायनेमिक विस्कोसिटी की जगह काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेता। तो रेनॉल्ड्स नंबर के साथ आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज हैं निकालने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ और व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव। सो आई वुड लाइक यू टू गो ओवर दिस लेक्चर, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन टर्बुलेंट, आई विल टीच यू समथिंग न्यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज contact me. So I hope that was an intriguing session and you understood this concept. See you next time.
हाँ क्या हुआ? हाँ अभी मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा बनाई, सिर्फ आखिरी का पोर्शन थोड़ा सा रह गया था, बाकी सारा हो गया था। 1 घंटा 28 मिनट आ गई थी, फिर मैंने एक न्यूमेरिकल रह गया था वो दोबारा बनाया। डिड यू गेट मी एनी मोर सब्सक्राइबर्स? मैंने कहा मुझे प्रमोट कर रहे थे 1-8 में। प्रमोट ही नहीं किया यार, ये तो चीटिंग हो गई। प्रमोट नहीं किया मैंने, अपने आप को प्रमोट कर दिया था हुमा को नंबर देकर। मुझे अभी भी उसके लिए बुरा लग रहा है, मैंने पता नहीं कैसे नहीं देखा। अगर अगर मुझे पहले नज़र आ जाता तो मैं खुद ही 85 कर लेता उसके। मेरा ख्याल है उस हाँ, क्या करो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे साफ। अच्छा क्यों नहीं, वो आज क्यों आई थी? आज आज तो उनका डे ही नहीं था। अच्छा क्योंकि वो दूसरी मोटी जूनियर भी आना चाह रही थी, उसने कहा था मुझे मैडम सादिया से कुछ पूछना है, तो मैंने उसको बता दिया था कि आज कोई नहीं आएगा, हम सैटरडे वाले हैं। मैंने कहा तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम थर्सडे को आना। हाँ तो क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ तो मिली थी तो क्या हुआ? कौन? हाँ यार, तो वो बाद में आई है ना, देर से आई है ना। हाँ नहीं, वो आमना ने सब खराब किया था। कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहाँ से मैडम पढ़ा रही है। मैडम मेरी बात सुनो, मैडम ने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे मालूम है फ्लूइड मैकेनिक्स मुश्किल है, मैं भी पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ। हाँ अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैडम ने स्टार्ट किया था उनके साथ चैप्टर 7 के साथ,